हेलो गाइस, जंगलों में जिंदा रहने वाले हमारे किसी वीडियो को बनाए काफी वक्त हो गया है और इस वीडियो में हम पूरा दिन सिर्फ नॉर्वेजियन आर्कटिक फील्ड राशन खाकर गुजारने की कोशिश करेंगे। दलदल के पास से निकलते वक्त हमें कुछ जीव दिखे जिसमें लाल सर और लंबे पैर वाले ये दो बड़े कठफोड़वे भी थे, और जब उन्होंने हमें देखा तो वो तेजी से आवाज निकालने लगे, शायद दूसरे कठफोड़वों के लिए एक अलार्म की तरह। हमने एक को पकड़कर खाने का सोचा, पर तभी हमें याद आया कि आज हम सिर्फ राशन खाने वाले हैं, तो शायद फिर कभी। और हमारे पुराने वीडियो में भी हमने दो छोटे कठफोड़ों को बचाया था, शायद ये वही हो जो बड़े हो गए हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। वहां पर तीन राशन हमारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नॉर्वेजियन के हर खाने का अलग मिनी पैक होता है और वो सारे अपने खुद के मेन्यू नंबर और चीजों में अलग अलग होते हैं। इनमें से कौन सा हम नाश्ते में खाएंगे उसका फैसला हम गिनती वाली कविता से करेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। हाँ, ये बेवकूफी है, हम बीच वाला लेंगे। हम जहाँ पर नाश्ता करने वाले हैं वहाँ किसी ने गंदगी फैलाई है, तो हमें ये सब साफ करना पड़ेगा। पास में ही एक गिरा हुआ सनोबर का पेड़ था जिसमें से हमने छाल का एक टुकड़ा काटा, और इसको चपटा करने के बाद हमें खाने के लिए एक बढ़िया ट्रे मिल गई। नाश्ते को खोलते वक्त हमें किसी तरह के खाने का एक बड़ा वैक्यूम बैग मिला, ये बहुत ही ठोस था। उसी के साथ एक हल्की मजबूती वाला चम्मच था, तो हमने बैग को खोला। ओह, लगता है ये ओटमील और पाउडर मिल्क है। हमें ओटमील के लिए गर्म पानी की जरूरत थी, और इसके लिए हमने गैस बर्नर से थोड़े पानी को गर्म किया, जबकि दोपहर और रात के खाने के लिए हम किसी दूसरे तरीके से पानी गर्म करेंगे। इसी बीच हमने इस गोल टेस्टी चीज को खोला, ये मूंगफली है जिन्हें शहद में भिगोए हुए कुरकुरे ठोल से ढका गया है। इसके बाद हमने ये पीला थैला निकाला जिसके अंदर कोई पीला पाउडर है जिसे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पानी में मिलाना होगा। शायद जब आपके पास मिलाने के लिए कुछ ना हो तब आप थैले के अंदर इस निशान तक पानी डाल सकते हैं, क्योंकि तब सिर्फ बैग को हिलाकर आपको एक टेस्टी लेमन एनर्जी ड्रिंक मिल जाएगी। अब आता है 60% कोकोआ वाला एक चॉकलेट बार, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हमने इससे पहले नॉर्वेजियन चॉकलेट कभी नहीं खाई थी। जब पानी उबलने लगा तो हमने उसमें ओटमील डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। इसी दौरान हमने खुद को खुश करने के लिए और अपनी दलिया तक जाने के लिए कॉफी बनाया। दलिया तो हद से ज्यादा टेस्टी निकली, पता नहीं उन्होंने इसमें क्या डाला था, पर हमने पूरी दलिया बड़े चाव से खाई और इसके बावजूद हमारा पेट भरा नहीं और हम एक और बाउल भरकर खा सकते थे। हम तो अभी से ही सोच रहे थे कि दोपहर के खाने में क्या होगा। बर्तन धोकर हम सारा कूड़ा अपने साथ रखकर आगे बढ़ने लगे। वैसे हमें पता लग गया कि हमारे बैग पर बनी ये चीजें किस लिए हैं, शायद उस एक्स्ट्रा सामान को यहाँ टांगने के लिए जिसकी हमें तुरंत जरूरत पड़ सकती है, या फिर अगर किसी चीज के लिए अंदर जगह ना बची हो तब भी। हमारे लंच स्पॉट की तरफ बढ़ते हुए हम इस दिलचस्प केबिन के पास पहुंचे जो की एक हंटिंग टावर है। हम इस मौके को नहीं छोड़ सकते और इसीलिए हमने इसमें क्या है देखने के लिए इसके अंदर जाने का फैसला किया। कोई बुरा सेटअप नहीं है, ये एक मूवी थिएटर की तरह दिख रहा है। एक खिड़की और गर्म कंबल वाली दो कार की सीट्स और दीवारें जिन्हें गर्म करने के लिए उनमें कालीन लगी है। हालांकि कालीनों में शायद आवाजों को रोकने की भी ताकत है, क्योंकि ठीक इसी जगह से वो अपना निशाना खिड़की के सामने वाले इलाके में लगाते हैं और अपने शिकार को निशाना बनाते हैं। और जानवरों को बुलाने के लिए शिकारी भट्टी के दाने जमीन पर बिखेर देते हैं, और इस निशानी को देखते हुए लगता है कि कई जानवर सच में यहां आते हैं। अब दोपहर के खाने का वक्त है और इस बार हमें एक हरी काई से ढकी ढलान पर रुके और दूसरे राशन को खोला। इस पर लिखी चीजों से पता चला कि लंच के लिए हमारे पास पास्ता बोलोनीज है। हमारे बगल में ये बड़ा पत्थर था जिस पर हम अपना छोटा स्टोव रखेंगे, जो कि पहले के वीडियोस के राशन के साथ हमारे साथ आ गया था। शायद किसी को याद हो वो कौन सा देश था।
हमने इसे पत्थर पर रखकर कुछ टहनियों से भर दिया। आपको इस तरह के स्टोव के लिए ज्यादा लकड़ियों की जरूरत नहीं है, और अगर आप किसी की नजर में नहीं आना चाहते तो आपको बता दें कि ये बहुत कम धुआं छोड़ता है। हमने मेन कोर्स के लिए पानी गर्म किया, और इसके अलावा हमारे पास एक ड्राई फ्रूट वाला एक कुरकुरा बार है। ये बहुत ही टेस्टी है। इस बार हम एनर्जी ड्रिंक मग में बनाएंगे। और इसके बाद हमारे पास एक मीठी ड्राई फ्रूट के टुकड़ों वाला बैग भी है। पता नहीं इन चीजों को क्या कहते हैं। इनके बाद एक छोटा सफेद रंग का चॉकलेट बार है, पर हम नखरेबाज नहीं हैं और इसे खा लेंगे। इसके बाद हमने एक तरह की पाउडर से ढकी मैक्रोनी को मेन डिश खोलकर पहले से उबलते पानी को आग से उतारकर उसमें डाल दिया। और 2 मिनट में ही हमें टोमेटो सॉस में तैरता हुआ कीमा और सब्जियों से भरा ढेर सारा पास्ता मिल गया। वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। जिन्हें मसालेदार पसंद हो उनके लिए इसमें हॉट सॉस का एक थैला भी था, और हमने एक अच्छे लंच के साथ इसे खत्म किया। शायद किसी वजह से बाहर जाकर खाने में हमेशा अच्छा टेस्ट मिलता है, वहीं घर पर रहते हुए हम शायद उसी खाने को इतनी खुशी से ना खाएं। वैसे अगली वीडियोस के लिए हमारे पास घर पर 3 बहुत ही बेहतरीन राशन रखे हुए हैं, तो फ्यूचर में उन्हें बिल्कुल मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लंच स्पॉट के पास ही हमें किसी और की बनाई एक रहने की जगह मिली। ये उतनी भरोसेमंद नहीं लग रही, और अगर इन टहनियों पर कभी पत्तियां रही होंगी तो इसने किसी को बारिश से बचाया होगा। अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए हम एक सनोबर के पेड़ों के झुंड तक पहुंचे, और अब हम आपको दिखाएंगे कि बिना किसी हथौड़े और कील के आप कैसे बड़े काम के सनोबर का रस निकाल सकते हैं। आपको पेड़ पर एक चिकनी जगह ढूंढनी है, और चाकू के जरिए किसी बेकार छाल पर 2 बहुत छोटे चीरे लगाने हैं। अब ऐसा स्पाउट पाने के लिए इसके कोने को काटकर अलग करें। अब इसके ठीक ऊपर लगभग 1/2 इंच गहरा एक छेद बनाएं, और आपको तुरंत इसका रस बाहर आता हुआ दिखाई देगा। आप ऐसे ही कई छेद बना सकते हैं। फिर जल्दी से कोई मग और रस्सी लेकर मग को स्पाउट के ठीक नीचे बांध दें। जो भी बूंदें बाहर आएंगी वो स्पाउट में होते हुए सीधे मग के अंदर चली जाएंगी, और सिर्फ 1 घंटे से भी कम में हमें 1/2 मग से ज्यादा जूस मिल गया, जो सिर्फ आपकी प्यास बुझाने में ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी को कई पौष्टिक तत्व देने में भी मदद करेगा। वैसे तो ऐसे छोटे छेद तो सनोबर के लिए इंसानों को मच्छर काटने की तरह है, फिर भी हमने इन घावों को लकड़ी की राल से भरने का फैसला किया, जो एक कॉनिफरस पौधे की छाल से निकल रहा था। हमने इसे अपने चाकू की नोक पर लिया। इसके बाद हमने इसे सनोबर के छेद में अच्छे से लगा दिया, और फिर इसके ऊपर थोड़ी चिकनी मिट्टी लगाकर आगे बढ़ गए। कुछ ही घंटों के बाद हम इन बेंचेस और स्टोन फायर वाले इस परफेक्ट स्नैक स्पॉट पर पहुंचे। शायद इसे कुछ लोगों ने तरोताजा होने के लिए यहां लगाया हो, और शायद यहां पर कोई जादू टोना हुआ हो, क्योंकि हमें पास में ही ये पुरानी लोहे की घोड़े की नाल भी मिली। पर हम इससे अपना खुद का जादू करेंगे। हमने कुछ सूखी टहनियां इकट्ठा करके किनारे एक छोटी सी आग जलाई। फिर हमने इसके किनारे 3 पत्थर रखे, जिसके ऊपर हमने ये जादुई घोड़े की नाल रखी, और एक परफेक्ट छोटा स्टोव बन गया जिसके ऊपर हम केतली रख सकते हैं। डिनर के लिए लास्ट पैकेज में जैसा कि पैकेज पर लिखा है किसी तरह का कबाब है, पर उससे पहले हमने इस नट्स और ड्राई फ्रूट वाले बार की पैकेट खोली। इसके बाद हमारे पास जैसे नट्स हमने नाश्ते में खाए थे ठीक वैसे ही दिखने वाले नट्स हैं, पर सुबह वाले मीठे थे और ये नमकीन है। हमने बैग खोला और देखा कि इसमें ढेर सारा मांस डाला है, जिस पर हमने उबलता पानी डाला, और जब तक ये पक रहा था हमने अपने लिए ये पीच एनर्जी ड्रिंक बना लिया और फ्लेवर वाली कॉफी भी बनाई। इसके बाद हमने अपनी मेन डिश को बाहर निकाला। ये तो टोमेटो सॉस में चावल, सब्जी और मांस के टुकड़े निकले। इसके बाद हमारे पास ये बार है,
पर ये चॉकलेट नहीं है, ये मांस से बना है, जैसे कि चपटे सॉसेज पर मीठा खोल लपेट दिया गया हो। थोड़ा सा हॉट सॉस और आप पूरी तरह तैयार हैं। बहुत अच्छा खाना रहा और कुल मिलाकर राशन बुरा नहीं था, पर काश हमारे पास गर्म करने के लिए कुछ होता, पर हमने कर दिखाया और ये एक अच्छा दिन था। अगर आपसे हमारी पिछली वीडियोस छूट गई हैं तो उन्हें देखना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए।